हेलो गाइस, इस चैप्टर में हम सीखेंगे कॉन्जुगेशन, वर्ब की कॉन्जुगेशन जर्मन में कैसे होती है। यहाँ पर एक पैटर्न होता है रेगुलर वर्ब्स का, उसको हमें फॉलो करना होता है। बिफोर स्टार्टिंग दैट, मैं आपको पर्सनल प्रोनाउन बताना चाहती हूँ किसके पर्सनल प्रोनाउन क्या हैं। पहला इश, दैट इज आई, डू दैट मीन्स तुम, और यू कैन से यू इनफॉर्मल, एयर दैट मीन है, जी दैट मीन शी, एस दैट मीन इट। ये है इश, आई, डू, तुम, एयर, ही, जी, शी, एस, इट। नेक्स्ट होता है ये सिंगुलर वाले हैं, नेक्स्ट जी कैपिटल, दैट मीन्स यू फॉर्मल, और यू कैन से आप। दीज आर सिंगुलर, इश, आई, डू, तुम, एयर, ही, जी, शी, एस, इट, एंड जी कैपिटल, यू फॉर्मल, दैट मीन्स आप। नेक्स्ट प्लूरल वन, प्लूरल, और यू कैन से प्लूराल। तो प्लूराल में पहला होता है वियर, दैट मीन्स वी, ईयर दैट मीन्स तुम लोग, और यू कैन से यू ऑल इनफॉर्मल। नेक्स्ट जी स्मॉल, प्लूरल में दैट मीन्स दे, वो लोग, एंड जी कैपिटल, वहां पर आप था, ये है आप लोग, दैट मीन्स यू ऑल फॉर्मल। इसको याद करने का सबसे इजी तरीका होता है इश, इट मीन्स मैं, और इसका प्लूरल वियर, दैट मीन्स हम, डू मतलब तुम, इसका प्लूरल ईयर, तुम लोग, जी वी कैन से एयर, Z, S, he, she, it, यहां पर इसका प्लूरल होगा Z, that means they, Z capital, आप, Z capital, आप लोग, प्लूरल में और सिंगुलर में दोनों में आप सेम होता है। अब मैं इनकी कॉन्जुगेशन समझाऊंगी। पहला है वोनन, वोनन means to live, वोनन। तो सबसे पहले हमें रूट उठानी होगी, रूट किसी भी वर्ब की होती है वोन, en हटाकर, that is won, this is the root of any verb, so सबसे पहले मैं wonen की conjugation बताऊंगी। ish, do, air, z, s मैं इकट्ठा लिख देती हूँ, and z capital, here wear, ear, z small and z capital। अब conjugation, before writing conjugation मैं आपको पहले root, हमें कोई भी conjugation करने से पहले सब में root लगानी है। root means till here, won, won, root लगाने के बाद हम लोगों को इसकी ending लगानी है। ish के साथ हमेशा e ending आती है, तो ये word बन जाता है ish won, do के साथ st ending आती है, air z s के साथ t ending आती है, z के साथ en ending आती है, wear के साथ en ending आती है, ear के साथ t ending आती है, g के साथ en ending आती है, और g के साथ en ending आती है। तो conjugation is ish woner, do wonst, air zs won't, wear zz wonen, wear wonen, or you can say wear wonen, z wonen, wear wonen, ear won't, z wonen, z wonen।
सो आप लोगों ने देखा होगा इश के साथ ई एंडिंग आएगी, डू के साथ एस टी एंडिंग आएगी, एयर जी एस ही शी इट के साथ टी एंडिंग आएगी और जी कैपिटल वियर या जी जितने भी हैं उनके साथ ई एन आएगा प्लूरल वालों के साथ, और ईयर के साथ वही रूट उठाओ एंड टी लगाओ दैट इज टी। तो ये आपकी कॉन्जुगेशन है वोनन। वोनन का मतलब होता है टू लिव। तो अगर मैं बोलना चाहती हूँ आई लिव तो मैं बोलूंगी इश वोन, तुम रहते हो डू वोन्स्ट, तुम दिल्ली में रहते हो डू वोन्स्ट इन दिल्ली, एयर वोंट इन दिल्ली, स्टेफान वोंट इन दिल्ली, स्टेफान एयर है ही है तो मैं ये वाली कॉन्जुगेशन लगाऊंगी स्टेफान वोंट इन दिल्ली, आप दिल्ली में रहते हैं जी वोनन इन दिल्ली, हम लोग दिल्ली में रहते हैं वी आर वोनन इन दिल्ली, तुम लोग दिल्ली में रहते हो ईयर वोंट इन दिल्ली, वो लोग दिल्ली में रहते हैं जी वोनन इन दिल्ली, या टीना उंड मीना वोनन इन दिल्ली, आप लोग दिल्ली में रहते हैं जी वोनन इन दिल्ली। अब मैं नेक्स्ट आपको हाइसन की कॉन्जुगेशन बताता हूँ। हाइसन दैट मीन्स टू बी कॉल्ड, हाई सन दैट मीन्स टू बी कॉल्ड, इसकी कॉन्जुगेशन थोड़ी सी डिफरेंट है वही मैं आपको बताना चाहती हूँ। इश पहले मैं प्रोनाउन लिख लेती हूँ डू एयर जी एस जी कैपिटल वियर ईयर जी स्मॉल एंड एस कैपिटल। इश पहले हम लोग रूट लिखेंगे सब की, हिश हाइस 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 अब हम लोग एंडिंग लगाएंगे वर्ब एंडिंग दैट इज इश हाइस डू, टेक्निकली यहां एस टी आना चाहिए बट यहां टी आएगा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी क्यों, यहां पर टी जी के साथ ई एन बताया था, वियर के साथ ई एन, ईयर के साथ टी, जी के साथ ई एन एंड जी के साथ ई एन। इश हाइस डू हाइस्ट एयर जी एस हाइस्ट जी हाइसन वियर हाइसन ईयर हाइस्ट जी हाइसन जी हाइसन। अब आप मुझसे पूछेंगे कि मैंने यहाँ एस टी क्यों नहीं लगाया डू में, तो मैं आपको बताती हूँ कि आपने देखा होगा कि डू के साथ नॉर्मली ये आना चाहिए था टेक्निकली जो रूल हमें कहता है, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ हाइसन ये बेसिकली हमारा डबल एस होता है तो इट मीन्स ट्रिपल एस हो जाएगा, सो ट्रिपल एस की देर इज नो पर्टिकुलर साउंड तो ट्रिपल एस ना लगाना पड़े इसलिए हम एक एस काट देते हैं, तो एक एस बचा तो क्या हुआ डबल एस वापस आ गया। डबल एस कैसे लिखा जाता है साई सेट की तरह, इसलिए यहां पर जस्ट ई आ जाता है क्योंकि ट्रिपल एस की कोई साउंड नहीं है इसलिए डू में हाइस्ट आता है। थैंक यू वेरी मच, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, नेक्स्ट टाइम हम दूसरी कॉन्जुगेशंस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। डांक बिस पार्ट ऑफ फीडर्स इन चूज़।